खबर उत्तराखंड के कालाढूंगी से है, जहां पर अधिकारियों के साथ पूर्व विधायक नेता प्रतिपक्ष ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दौरा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि कोटाबाग की आमगढ़ी न्याय पंचायत आपदा से पूरी तरह से प्रभावित हुई है। किसानों की पूरी फसल और सड़कें नष्ट हो गई हैं। पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्य ने बताया कि इस संबंध में शासन और मुख्यमंत्री से बात कर सर्वे के बाद पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। कालाढूंगी से मुकेश छिबाल की रिपोर्ट। देखने को मिला है, हालात जो देखने को मिले हैं वो बहुत चिंतनीय है। और विशेष रूप से अगर हम ओखलढूंगा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से त्रासदी देखने को मिल रही है वो बहुत चिंताजनक है। आज भी लोग डर के साये में रह रहे हैं और जिस तरीके का मौसम है, जिस तरीके के हालात हैं, प्रशासन के स्तर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिकारी तो आए लेकिन जिस तरीके से बुनियादी स्तर पर उनको राहत पहुंचाने का काम प्रशासन के द्वारा होना चाहिए था वो कहीं मौके पर देखने को नहीं मिल रहा है। जमीनें लोगों की बिल्कुल जमींदोज हो गई हैं।